स्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। सबको नमस्कार। कोरोना की इस महामारी के दौर में रोज हमें मतलब मायूस करने वाली खबरें मिलती हैं। कोरोना इतना बढ़ गया। ऐसे दौर में आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूं। पूरे देश में हर सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलके हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है, गेहूं, चावल, चीनी। लेकिन जब से राशन बंटना चालू हुआ देश में, गरीबों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आती है। दुकानें खुलती नहीं हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, राशन पूरा नहीं मिलता, राशन ठीक से नहीं तोला जाता, देश भर से शिकायतें आती हैं, राशन में मिलावट होती है, पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं, किस्म किस्म की। और जिस तरह से जितनी तकलीफें सहनी पड़ती है गरीब आदमी को राशन लेने के लिए, राशन तो उसका हक होना चाहिए। पिछले 5 साल में जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, राशन की व्यवस्था में हमने काफी सुधार किए हैं। दिल्ली के अंदर अब राशन मिलने लगा है लोगों को, दुकानें समय पे खुलने लगी थी। लेकिन आज हमारी कैबिनेट ने सुबह अभी 11 बजे बैठ के जो निर्णय लिया वो किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। आज हम लोगों ने दिल्ली में डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि गरीब राशन घरों के इज्जत से पहुंचाया जाएगा। तो इस योजना के तहत स्कीम इस तरह से है कि FCI के गोडाउन से गेहूं उठाया जाएगा, उसको चक्की में ले जाके आटा बनाया जाएगा, आटे के, चीनी के और चावल के बोरी में या पैकेट में उनको पैकिंग की जाएगी, और वो पैकेट जो है अच्छे साफ सुथरे पौष्टिक राशन के पैकेट हर घर के अंदर राशन जो बेनिफिशियरी है उनके घर पे राशन डिलीवर किया जाएगा। हर एक को ऑप्शन दिया जाएगा। अगर कोई कहेगा कि मुझे तो अपनी दुकान वाले से ही राशन लेना है, वो दुकान वाले से राशन ले सकता है। अगर कोई कहेगा कि मुझे होम डिलीवरी चाहिए राशन की, वो होम डिलीवरी कर सकता है। किसी के ऊपर भी सबसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। होम डिलीवरी के तहत आटा दिया जाएगा, गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये योजना 6 से 7 महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके बाद सारी टेंडरिंग होगी, सारे कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे, तो इसको लागू करने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं। और इसी के साथ जिस दिन से दिल्ली में होम डिलीवरी ऑफ राशन मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चालू होगी, उसी दिन से दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की स्कीम है कि पूरे देश के अंदर राशन कार्ड एक ही होना चाहिए। अगर कोई आज बिहार में रह रहा है, वेस्ट बंगाल में रह रहा है, झारखंड में रह रहा है, वो मान लीजिए मजदूरी करने के लिए दिल्ली आता है, तो उसका वो राशन कार्ड दिल्ली में भी मान्य होना चाहिए। तो केंद्र सरकार की उस स्कीम को डोर स्टेप डिलीवरी के साथ हम लागू करने जा रहे हैं। जिस दिन से डोर स्टेप डिलीवरी लागू होगी उस दिन से केंद्र सरकार का वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना भी लागू हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए बेहद खुशी की बात है जो आज ये क्रांतिकारी कदम दिल्ली में लागू हो रहा है।